हेलो गाइस, यहाँ हम स्टैंड अप फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध करा रहे हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, यह हमारा स्टैंड अप फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप हमारी वेबसाइट www.stanoforall.com पर जाकर भी किसी भी गति पर इंग्लिश या हिंदी अभी में ऑडियो सुन सकते हैं और उसके पश्चात अपनी गलतियों का मूल्यांकन आप प्राप्त कर सकते हैं। और डिक्टेशन शुरू करने से पहले सभी के लिए दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं भाई, नियमित समय की डिक्टेशन। रेडी? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कपास से संबंधित किसानों के बारे में मेरा अनुरोध है कि एक हाई पावर कमेटी बनाकर उनकी आत्महत्या कराने की जांच कराई जाए, उन्हें पूरी राहत दी जाए और उन पर जो महाजनों का ब्याज है उसे भी समाप्त कराया जाए। दोनों प्रदेश की सरकारों से भारत सरकार आग्रह करे कि जो महाजन लोग रुपया दे रहे हैं उसकी वसूली को समाप्त कर दिया जाए और उनका जो मूल पैसा है सरकार उसका भुगतान कर दे। इन राज्यों में बैंकों से भी किसानों को प्रॉपर लोन नहीं मिला। इन सब बातों का भारत सरकार से समायोजन करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ और सदन से भी अनुरोध करता हूँ कि अगर आज आपने इस गंभीर चर्चा के माध्यम से भारत के किसान को बचा लिया तो यह देश आर्थिक विकास के पथ पर बढ़ जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक इस देश का किसान नहीं उठेगा, इस देश का मजदूर नहीं उठेगा और जब तक दोनों का क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, बाजार का माल भी नहीं बिकेगा और जब तक व्यापारी, किसान और मजदूर तीनों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक उद्योग का माल भी नहीं बिकेगा। बात साफ है कि भारत कृषि प्रधान देश है। अगर देश के किसान गरीब हैं तो देश गरीब है। अगर किसान रईस है, देश की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। मैं इन सब बातों का समाधान भारत सरकार से करने का अनुरोध करता हूँ। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया था कि उत्तर प्रदेश में किसानों को खंडसारी की क्रॉसिंग की अनुमति दे दी गई है, जिससे गन्ना किसानों की रिकवरी भी बढ़ेगी। इससे खांडसारी की राष्ट्रीय हानि भी बचेगी, बिजली का उत्पादन भी बढ़ेगा और किसानों को गन्ने का बेहतर दाम भी मिलेगा। उसमें सीमा लगा दी गई कि जो मिल रिजर्व एरिया से बाहर होंगी उसे ही यह सुविधा मिलेगी, वह गलत है। खांडसारी मिलें जो रिजर्व एरिया में चल रही हैं वह आज भी गन्ना क्रश कर रही है। जब तक सबको अनुमति नहीं मिलेगी तब तक गन्ना किसानों का भला होने वाला नहीं है।
मेरा अनुरोध है कि मिलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि रिजर्व एरिया में नई खंडसारी न चलाएं। किसान का हित इसी बात पर निर्भर है कि मिल भी चलें और खंडसारी भी चलें और दोनों में स्पर्धा हो। इसमें संदेह नहीं कि अंग्रेजों ने जो शिक्षा पद्धति आरंभ की वह विशेषकर अपने राज्य को आप आसानी से और सुविधा के साथ चलाने के लिए जारी की गई थी। उसके साथ साथ उनके दिल और दिमाग में भी यह विचारधारा काम कर रही थी कि यहाँ की संस्कृति और साहित्य में कोई ऐसी चीज नहीं जिसको वे अपनी संस्कृति साहित्य इत्यादि की अपेक्षा अधिक अच्छा समझें अथवा जिनको वे बनाए रखना उचित समझें। धीरे धीरे उनकी विचारधारा में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हुआ पर मूल रूप से नहीं, और इसी बीच यूरोप में विज्ञान की जो प्रगति हुई वह इस देश के उनकी भाषा के द्वारा ही प्रसारित हो सकती थी। इन सब का परिणाम यह हुआ कि शासन की सुविधा और अपनी भाषा तथा संस्कृति के प्रति स्पर्धा के कारण उन्होंने एक पद्धति को जारी रखा और इसको अधिकाधिक प्रोत्साहन दिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी कई पीढ़ियों ने जो शिक्षा पाई इसी पद्धति से पाई। अध्यक्ष महोदय, नई तालीम में मेरी रुचि उसी दिन से रही है जिस दिन प्रातः स्मरणीय पूज्य महात्मा गांधी जी ने इस विषय पर विचार करने के लिए पहले पहल एक सम्मेलन वर्गा में किया था, जिसमें देश के कुछ शिक्षा शास्त्रियों और राष्ट्रीय शिक्षा से संबंध रखने वाले कार्यकर्ता आमंत्रित थे। उस दिन से इस पद्धति की जिस प्रकार से जांच और प्रगति हुई है मेरा उससे कुछ ना कुछ संबंध रहा है और इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने आज मुझे शिक्षा संबंधी विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया। यद्यपि मैं जानता हूँ कि ऐसा करने में बहुत अंश में पुनरावृत्ति करूँगा और हो सकता है मेरे मत से दूसरों का, विशेषकर शिक्षा शास्त्रियों का मत ना मिले। इसके अतिरिक्त विचारणीय बात यह भी है कि शिक्षा के संबंध में केंद्रीय और राज्यों की सरकारें आज जो नीति बरत रही है उसका मेरे मत के साथ कहाँ तक मेल होता है और मेरे मत में अथवा उस नीति में परिवर्तन कहाँ तक आवश्यक दिखता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मैं आज जो कुछ कहूँगा वह व्यक्तिगत विचार के रूप में ही समझा और देखा जाएगा।
और उस पर आप निर्भीकता पूर्वक और निर्लिप्त रूप से भली भांति विचार करेंगे। यह एक मानी हुई बात है कि जो पद्धति आज तक प्राथमिक वर्ग से लेकर विश्वविद्यालयों की उच्च कक्षा तक प्रचलित है, वह वही पद्धति है जिसको ब्रिटिश सरकार ने इस देश में चलाया था और स्वराज्य प्राप्ति के बाद भी अभी तक उसमें कहीं कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है। उसके लिए हम किसी को दोषी भी नहीं ठहराते, क्योंकि जिस प्रकार शांतिपूर्वक हमें स्वराज्य प्राप्त हुआ, उससे यह अनिवार्य था कि स्वराज्य के साथ साथ वह शासन पद्धति, शिक्षा पद्धति तथा सारा उपक्रम जो अंग्रेजी राज्य में प्रचलित था, उस परिस्थिति के प्रकाश में विचार करें और जो कुछ परिवर्तन आवश्यक जचें उसे अमल में लाएं। आ जाइए जो भी पढ़ना चाहते हैं।